हमारे साथ में कमलेश चंद्र कनौजिया जी उपस्थित है, जो कि श्रम विभाग में कारखाना विभाग में सहायक निदेशक कारखाना है, और कारखानों में सेफ्टी के लिए श्रमिकों की क्या क्या उपाय किए जाते हैं, क्या क्या उपाय करने चाहिए उनकी सुनिश्चितता कराने के लिए आपकी ड्यूटी है, आप ही जा करके ये सारे वहाँ पर समझाते हैं कारखानों में, और उनको श्रमिकों को सेफ्टी और उसके मेजरमेंट जो भी है उसके बारे में बताते हैं और समझाते हैं। तो यहाँ पर तमाम उपकरण हम देख रहे हैं कि जैसे सेफ्टी बेल्ट भी है और आपके सेफ्टी शूज हैं, हेलमेट है, ईयर मफ है और जैकेट है, तो इन सब के बारे में थोड़ा सा आप एक बताइए कि क्या कैसे कब यूज़ करना चाहिए और किस प्रावधान में कौन से एक्ट में ये लिखा हुआ है कि ये मैंडेटरी है कारखाना श्रमिकों के लिए, एम्प्लॉयर के लिए। जी सतेंद्र जी, पहले तो सबको नमस्कार। मैं के सी कनौजिया हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज लेबर डिपार्टमेंट में। हमारे मुख्य कार्य होते हैं कि कारखानों में कारखाना अधिनियम के अंतर्गत जो प्रावधान है उनको सुनिश्चित करवाना हमारा कर्तव्य होता है। कारखाना अधिनियम मुख्य रूप से हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर, इन पे प्रावधान है, मुख्य प्रावधान इन्हीं से है, जो कि सुरक्षा कर्मिकों के कारखाने में या विजिटर्स हुए सभी की सुरक्षा को सुनिश्चित कराना इस अधिनियम का उद्देश्य है। यहाँ पर हमने जैसे बहुत सारी चीज़ें जो शो करके रखे हैं वो सुरक्षा के उपकरण हैं, जैसे ये है हमारा सेफ्टी शूज। कारखाने में जब मजदूर काम करता है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो उसके पैर पे गिरने के चांसेस रहते हैं, ये सेफ्टी शूज हैं। इसमें जो टो होता है इसमें आयरन के ब्लेड्स लगे रहते हैं, तो कुछ सामान हैवी भी उस पर यदि गिरता है तो पैरों को नुकसान नहीं होता है, पैर चोटिल होने से बच जाते हैं और कार्मिक आराम से काम कर सकते हैं। ये जैसे सुरक्षा हेलमेट हैं, ये डिफरेंट कलर में होते हैं ताकि कार्मिकों की, विजिटर्स की, अधिकारियों की पहचान हो सके। इसका मुख्य जो उद्देश्य है कि सर की रक्षा करना। कार्मिक जब काम करते रहते हैं तो हेलमेट लगा करके सर पे काम करते हैं और उसमें सर पे चोट लगने से बचा जा सकता है। ये जैसे है सेफ्टी बेल्ट्स, इसका उद्देश्य है कि जब कर्मकार ऊंचाई पे काम कर रहा हो तो इसको लगा के काम करेंगे, किसी वजह से उनका फॉल भी हो जाता है तो एकाएक गिरेंगे नहीं, धीरे धीरे स्लो फॉल होगा और उनकी मृत्यु होने से बच जाएगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है। हम लोग बिल्कुल सलाह देते हैं कि कोई भी आदमी यदि ऊंचाई पर कार्य कर रहा हो तो इस उपकरण को जरूर प्रयोग करके ही कार्य करें। ये सांस लेने के लिए कहीं केमिकल्स है और धूल ज़्यादा है तो उस स्थिति में सांस लेने के गैस। लिए गैस के लिए भी है, तो केमिकल्स गैस सब एक ही है, मतलब वहाँ पे काम करने के लिए इसको यूज करते हैं। इस तरीके के जो N95 मास्क होते हैं जहाँ ज़्यादा धूल है, N95 का मतलब है कि जो 2.5 PPM के जो पार्टिकल्स हैं वो 95% तक उसको ये अंदर जाने से सांसों के साथ रोक लेता है, तो ये मास्क जो है यही मास्क प्रयोग किए जाते हैं कारखानों में। ये जो मेडिकल सर्जिकल मास्क होते हैं वो प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो ये मास्क का उपयोग है कि जहाँ भी जो धूल वगैरह हैं और जो भी हवा में उपस्थित जो पदार्थ हैं वो सांस के साथ अंदर ना जा सके उसके लिए ये प्रयोग किए जाते हैं। ये विशेष रूप से तैयार किए गए कानों के लिए उपकरण है, मफ इसको बोलते हैं, और ये जहाँ पर ज़्यादा साउंड है, आवाज़, तो आवाज़ से कानों की रक्षा करने के लिए इसको लगा करके वहाँ कर्मकार काम करते हैं। विभिन्न प्रकार के ये मास्क हैं, मास्क बोल रहे हैं, ये हैंड ग्लव्स हैं और इनको यूज करके हाथों की सुरक्षा रहती है, जहाँ काम करना हो ये विशेष रूप से हाथों की सुरक्षा करने के लिए इनको प्रयोग करते हैं। और भी उपकरण है, ये बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है, आदमी के आँखों की रक्षा करने के लिए इसको प्रयोग करते हैं, जहाँ केमिकल्स हैं या धूल है, आँखों में जाने के जहाँ चांसेस रहते हैं वहाँ पर इन उपकरणों को आँखों में लगा करके काम करते हैं तो आँखों की रक्षा होती है इससे। वेल्डिंग के लिए ये है, या जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट है वहाँ पे इन चश्मे को उपयोग करके
आंखों को रोशनी से बचाया जा सकता है जो कि आंखों के लिए नुकसानदेह हो जाते हैं। और विशेष रूप से हम बताना चाहेंगे फायर के उपकरणों के लिए, ये फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं, प्राथमिक उपकरण। मतलब कोई भी आग जो है प्रिंसिपली एक गिलास पानी से बुझाया जा सकता है, जबकि वो बिल्कुल इनिशियल अवस्था में हो। उसके बाद जितना समय व्यतीत होता है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, उसका साइज बढ़ता जाता है, उस स्थिति में उसको बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हम हर जगह रखते हैं ताकि जो ही कहीं पे फायर होता है उसे हम इमीडिएट उस पर काबू पा सकें, और इसको प्रयोग करके ये काम किया जा सकता है, कहीं भी आग से बचाव किया जा सकता है। हम इसमें फैक्ट्री एक्ट में प्रावधान भी है कि हर 100 स्क्वायर मीटर में एक 100 स्क्वायर मीटर में एक फायर एक्सटिंग्विशर की अनिवार्यता है, आप रख के ही काम करेंगे। इसमें ये भी बता दीजिए कि मतलब फायर एक्सटिंग्विशर में भी ABCD का भी थोड़ा, इसमें भी विशेष रूप से चार तरह के होते हैं ABCD, उनको जो ज्वलनशील पदार्थ है उसके हिसाब से उनको वर्गीकरण किया गया है और उसी हिसाब से इनको यूज किया जाता है। कनौजिया जी, इसमें जैसे इमरजेंसी रिस्पॉन्स ड्रिल है, फायर ड्रिल हो रही है, तो इसके लिए किस तरीके से होता है, क्या प्रोविजन है इसके, कब किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी सतेंद्र जी, कारखाना अधिनियम में हर 3 महीने में जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री एक्ट में जो भी आच्छादित फैक्ट्रीज हैं उसमें फैक्ट्री एक्चुअली 3 तरह के होते हैं जो फैक्ट्री एक्ट के अनुसार। एक तो सामान्य कारखाने हैं, दूसरे हैजार्डस हैं, और तीसरे हैं मेजर एक्सीडेंट हैजार्ड। सामान्य कारखानों में जो सामान्य तरीके से काम होते हैं, जैसे स्टील का फैब्रिकेशन है, तो वहाँ पर सामान्य कारखानों की श्रेणी में उसे लेते हैं। बाकी केमिकल्स यूज करते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आइडेंटिफाइड हैं, डिफाइंड हैं फैक्ट्री एक्ट में, वो 29 प्रोसेस हैं, वो खतरनाक प्रोसेस में आते हैं। और ऐसे कारखाने जो कि उस कारखाने के परिसर के बाहर भी इफेक्ट कर सकते हैं, उनको हम मेजर एक्सीडेंट हैजार्ड में लेते हैं। उसके लिए एक जो मैक्सिमम क्वांटिटी होती है उससे ज़्यादा जब हो जाता है थ्रेशोल्ड क्वांटिटी से कोई केमिकल, तो उसको हम मेजर एक्सीडेंट हैजार्ड में कर लेते हैं। तो मेजर एक्सीडेंट हैजार्ड और हैजार्डस जो 2 प्रकार की फैक्ट्री हैं, इनमें हर 3 महीने में प्रावधान है कि फायर का मॉक ड्रिल किया जाए ताकि जब एक्चुअल घटना हो तो उसमें आग से कैसे बचाव करना है उसके लिए आदमी ट्रेन रहे और जल्दी से रिस्पॉन्स करके आग पे काबू पा जाए। तो वहाँ पे एक सीन क्रिएट किया जाता है, मॉक ड्रिल किया जाता है कि एक सीन क्रिएट किया जाता है कि फायर लग गई है, और इसके बाद पूरे जो वहाँ की व्यवस्था होती है, फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, उनके फायर टेंडर्स होते हैं वो बुलाए जाते हैं, एम्बुलेंस होते हैं वो बुलाए जाते हैं, सारी व्यवस्थाओं को एक बार कैसे हमको जो एक्चुअल परिस्थिति रहेगा उसमें हम कैसे काम करेंगे वैसे ही ड्रिल किया जाता है। और इस ड्रिल का बहुत ज़्यादा फायदा ये है कि हमारे रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाता है। जब हम किसी भी उपकरण को एक बार प्रयोग किए रहेंगे तो जब दुर्घटना होगी उस समय करने में हमें बहुत आसान होगा, तो इसीलिए ये ड्रिल का बहुत महत्व है। और हर 3 महीने में प्रावधान है फैक्ट्री एक्ट में कि इसको करना चाहिए और उसकी रिपोर्ट जो है सरकार को प्रेषित करनी चाहिए।